मैं रेखा डागर अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इनका हम लाइट मेकअप करने वाले हैं, इनका आज हमें डे मेकअप करना है। तो डे मेकअप करते टाइम हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना हो जाए, और उनकी स्किन है बहुत ड्राई भी है। तो सबसे पहले इनका हम CTML करेंगे। हमारा जो CTML है कम्प्लीट हो चुका है। अब हम पहले इनकी आईज मेकअप स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ कॉपर शेड का बेस लिया है। पहले इनके हमने आईवरी शेड से कंसील किया था आईज को। अब मैंने लाइट जो ब्राउन शेड है वो लिया है। अब मैं हल्का सा गोल्डन और कॉपर मिक्स करके ग्लिटर पेस्ट करूंगी। ये हमें सिर्फ आईबॉल पर करना है। ये हमने इसमें कुछ मोटे पार्टिकल्स लिए हैं ब्राउन शेड के, बाकी का जो थिन पार्टिकल है वो है गोल्डन, समर गोल्डन। देखिए लाइनर लगा रहे हैं हम, बिल्कुल पतला पतला लगाना है इस तरह से। अब यहाँ मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं, ये ग्रूमिंग मस्कारा है, इस तरह से ऊपर की साइड, तरह से। अब इनकी हम आईब्रो डिफाइन करेंगे। बिल्कुल लाइट लेनी है क्योंकि दिन का मेकअप है इस वजह से। हमने यहाँ हल्का सा रेड कलर यूज किया है क्योंकि इनको डार्क सर्कल हो रहे हैं, ज्यादा यूज नहीं करेंगे जो ओवर दिखे, बिल्कुल लाइट लाइट सा, और उसको अच्छे से स्मज कर देंगे ब्रश की हेल्प से। ऊपर देखो, अब हम आउटर कॉर्नर पर हल्का सा लाइनर लगाएंगे, इसको हम फिर ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करेंगे इस तरह से, जिससे कि जो आईज है वो थोड़ी सी देखने में बड़ी बड़ी सी लगे। अब हम इनके व्हाइट काजल लगाएंगे हल्का हल्का सा ऐसे। यह हम हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर एरिया है यहाँ। मैंने क्रेलन स्टिक यूज किया है FS22, पूरे फेस पर अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ना, या ब्लेंडर से या ब्लेंडर ब्रश से कर सकते हैं। ब्रश यूज कर रही हूँ इससे से बहुत अच्छे से इसको स्मज करना है, जिससे कि अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो सके इस तरह से। देखिए ये डे मेकअप है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है हर चीज का, कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा ना दिखे, कोई ओवर ना लगे फेस। मैंने यहाँ क्रेलॉन का फिक्सिंग पाउडर यूज किया है। ऊपर देखो, ब्लशर यूज करेंगे। मैंने यहाँ ब्राउन शेड का ब्लशर यूज किया है, और उसको अच्छे से इस तरह से मैश कर देंगे इस तरह से। दोनों साइड इक्वल एरिया देखना है, बराबर होना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको स्मज कर देंगे इस तरह से। ये हम हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, ये मैंने वेका का हाइलाइटर यूज किया है, काफी अच्छा है ये, और उसका बैक रेस्पॉन्स काफी मिलता है हमें, नेचुरल लुक देता है ये। अब हम लिपस्टिक लगाने वाले हैं। पहले हम लिपस्टिक से आउटलाइन करेंगे इनकी। जो लिपस्टिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं, देखिए ये हमारे मेकअप का फाइनल लुक है, देख सकते हैं ये। हमने इनका लाइट मेकअप किया है और बहुत सुंदर लग रही थी ये।